आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय लगातार हो रहा है, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। वो परिवार एक साथ नहीं है, जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा जब परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सबूत और दलीलें इस बात की निशानदेही कर रही हैं, मुखालिफ और गरजती बरसती और भीड़ को बेसाख्ता खींचने वाली आवाज़ लोकसभा के इस चुनाव में नहीं गूंजेगी। रामपुर के मोहम्मद आदम खान चुनावी स्टेज पर भले ही नहीं रहे, लेकिन उनका जिक्र होगा और हो भी रहा है। उनसे मिलने के लिए सीतापुर जेल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे हाल जानने और रामपुर मुरादाबाद बिजनौर के टिकट पर राय जानने के लिए। मुरादाबाद और बिजनौर के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया। एक सीट पर सिटिंग MP का टिकट कट रहा है, दूसरी पर एक महिला कैंडिडेट के नाम पर मोहर लग गई है। कोई बड़ी अड़चन सामने नहीं आई तो घोषणा हो जाएगी। रामपुर में थोड़ी सी कशमकश है, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव उस लड़की को लड़ाना चाहते हैं जो आदम खान की वो बोली बेटी जैसी है, लेकिन आदम खान भी चल रहा है और क्या है उन्होंने अखिलेश यादव को बताया है। इसके लिए रामपुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष भी सीतापुर जेल बुलाए गए थे। रामपुर की बात करें तो चर्चा मुस्लिम कैंडिडेट का हो रहा है। आदम खान खुद पत्नी डॉक्टर तदीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में हैं। बड़े बेटे अदीब आजम, उनकी पत्नी सिद्रा अदीब बाहर हैं। सिद्रा का नाम पहले भी चला था, आदम खान तैयार नहीं हुए। ऐसे में दो नाम काबिले गौर हैं, एक हाफिज अब्दुल सलाम और दूसरा आसिम राजा शमसी का। हाफिज अब्दुल सलाम जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ते रहे, तुर्क बिरादरी से आते हैं। आसिम राजा शमसी को आदम खान ने पहले रामपुर से विधानसभा और फिर लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया था, दोनों मर्तबा हार का सामना करना पड़ा। चेहरा मुस्लिम हुआ, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो फिर दोनों में से एक नाम का ऐलान हो जाएगा। बस थोड़ा वक्त लगेगा जानशीन आजम का ऐलान होने में, तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। जेल तो जेल ही होती है और अकेलेपन में कोई रहे और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, बोलो नहीं, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। वो परिवार एक साथ नहीं है, जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा जब परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का, लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने अभिषेक जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेजने? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है, जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये PDA ही जीतेगा, PDA ही जीतेगा, PDA ही NDA को हराएगा। PDA से घबराई हुई है सरकार, लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब BJP को भी जनता सबक सिखाएगी, केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से
मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है, 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख × 3 कितना हुआ, 1,80,00,000। 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें, 1,80,00,000 को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता 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 इनको सबक सिखाएगी।